इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 21 अगस्त के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। आज का दिन देश के एक महान फनकार की रुखसती के तौर पर दर्ज है। भारत रत्न से सम्मानित मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का निधन 21 अगस्त 2006 को हुआ था। देश दुनिया के इतिहास में 21 अगस्त की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज के दिन 1772 में स्वीडन में गुस्ताव तृतीय ने 50 वर्ष पुराने संसद के शासन को समाप्त कर तानाशाही व्यवस्था स्थापित की थी। भारत के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता तथा सेवक गोपाल कृष्ण देवघर का जन्म आज ही के दिन 1871 में हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म आज ही के दिन 1910 में हुआ था। उर्दू भाषा की प्रसिद्ध लेखिका इस्मत चुगताई का जन्म आज ही के दिन 1915 में हुआ था। आज ही के दिन 1915 में पहले विश्व युद्ध के दौरान इटली ने तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। अमेरिकी खजाना खोजक और मेल फिशर समुद्री विरासत संग्रहालय के संस्थापक मेल फिशर का जन्म आज ही के दिन 1922 में हुआ था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा यूपी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल बी सत्यनारायण रेड्डी का जन्म आज ही के दिन 1927 में हुआ था। आज ही के दिन 1944 में अमेरिका ब्रिटेन रूस और चीन के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र के संगठन की योजनाओं को लेकर मुलाकात की थी। भारत के महान क्रिकेट खिलाड़ी वीनू माकड़ का निधन आज ही के दिन 1978 में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू का जन्म आज ही के दिन 1979 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी शिक्षाविद पत्रकार और लेखक काका कालेलकर का निधन आज ही के दिन 1981 में हुआ था। 100 और 200 मीटर की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले एथलीट उसैन बोल्ट का जन्म आज ही के दिन 1986 में हुआ था। आज ही के दिन 1991 में लातविया ने संयुक्त सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा की थी। 1993 में आज ही के दिन राष्ट्रपति बोरिस एल्तसिन ने रूसी संसद को भंग किया था। आज ही के दिन 1997 में पूर्वी चीन में चक्रवर्ती तूफान विन्नी से 140 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 3000 लोग घायल हुए थे। 2003 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने इराक में संयुक्त शांति सेना भेजने का प्रस्ताव खारिज किया था। आज ही के दिन 2005 में बांग्लादेश और भारत के सीमा सुरक्षा बल के जवानों के बीच संघर्ष विराम का समझौता हुआ था। 2006 में आज ही के दिन इराक के अपदस्थ राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने नरसंहार ट्रायल में भाग लेने से इनकार किया था। भारत रत्न से सम्मानित प्रख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का निधन आज ही के दिन 2006 में हुआ था। आज ही के दिन 2008 में मून मिशन को लेकर भारत ने नासा से हाथ मिलाया था। 2012 में आज ही के दिन अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला वायरस के संक्रमण से 20 लोगों की जान चली गई थी। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।